आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी ने लोगों का लाइफस्टाइल बिगाड़ दिया है। बाहर का खाना, वक्त बेवक्त सोना, एक्सरसाइज न करना, जिसकी वजह से कई बीमारियां पकड़ लेती है, जैसे हाई बीपी, हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ओबेसिटी जैसे। लेकिन डॉक्टर फाल्केस होप डायबिटीज एंड मेडिकल सेंटर में ये सारी बीमारियां न सिर्फ कंट्रोल होती है बल्कि रिवर्स भी होती है। अब तक हजारों पेशेंट को ठीक कर चुके डॉक्टर रमेश फाल्के का कहना है, सिर्फ अच्छी डाइट और सही वर्कआउट से भी सभी लाइफस्टाइल डिजीज भी ठीक हो सकती है। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो जरूर विजिट कीजिए डॉक्टर फाल्केस होप डायबिटीज एंड मेडिकल सेंटर, बिहाइंड हाजी मोटर, बिलो गैलेक्सी होटल, वंजारपट्टी नाका, वाड़ा रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज सिमन, जॉब वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम खड़े हैं भिवंडी शहर के मंडई इलाके में, जो कि भिवंडी चौकी से उसके बिल्कुल सामने एक मुंजा बाबा मंदिर है। और इस मंदिर के सुशोभीकरण के लिए आज भिवंडी वेस्ट के MLA महेश चौगले ने आज भूमि पूजन किया, और इसी के साथ साथ में आज उनके कई और भी जगह पे विकास कार्य का भूमि पूजन है, कुछ इनॉग्रेशन है। तो हमसे बात करते हैं, उन्होंने यही बताया कि अब तक के मैंने जो है यहाँ पे 200-250 करोड़ रुपए का जो है फंड अलॉट कर चुके हैं, और आज भी तकरीबन 75 करोड़ रुपए के फंडों का आज भूमि पूजन होने वाला है। इसके साथ ही साथ में उन्होंने ये भी बताया कि कहीं कॉन्क्रीट के रास्ते जो है उनका काम शुरू होने वाला है, जैसे कि कामतगढ़ का रोड हो गया, फिर इसके बाद में धमन के नाके से जगह नाका हो गया, मंडई से ढांगिया हॉस्पिटल से आगे का जो रोड है, तो ये सारे रोड भी जो है बहुत जल्द कंक्रीट के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ में हमने उनसे ये भी सवाल किया कि जो पिछले दिनों उन्होंने कचरे को लेकर आंदोलन किया था, उस आंदोलन में क्या महानगर पालिका का जवाब आया, तो इसके ऊपर भी बात हुई। तो आइए सुनते हैं सारा कार्यक्रम। एक अच्छा काम आज हो रहा है, क्योंकि और ये 5 साल भी यानी गए 10 साल में अच्छे ही काम होते गए, और हर जगह अच्छा फंड सरकार के माध्यम से मुझे मिला है। और इसका जो उद्घाटन हम लोग हमेशा करते रहते, कभी कोई कोई ना कोई करता है, कभी कभी ज्यादातर मैं जाता हूँ, लेकिन आज एक 15-16 करोड़ का काम का यह उद्घाटन है। और परसों भी 1.5 करोड़ की पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ था टाकी के इधर से, और ये अभी ये पूरे आप जो देख रहे वो ये भी 1-2 करोड़ का रास्ता है, उसका भी वर्क ऑर्डर हो गया है। और एक पूरे 75 करोड़ के जो काम आए हैं उसमें पूरे ये सब पूरे जो रोड है इधर के सब सीमेंट के रास्ते, अरे पूरे सीमेंट के रास्ते नहीं, उनका टेंडर भी हो गया, उनका ऐसा नहीं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ उनका वर्क ऑर्डर भी होगा, ये काम 1-1.5 महीने में शुरू भी हो जाएगा। तो ऐसा है क्या नहीं कि आने वाला है, करने वाला है, होने वाला है, वो बात नहीं है। ये तो काम 15 दिन में या 1 महीने के अंदर ये काम शुरू हो जाएगा। और आज जो छोटे छोटे काम है जो मेरे आमदार फंड से आते हैं उसका ये है, आज आपने देखा होगा ये परिसर में सब हमारे चाहने वाले लोग है और अच्छे ये लोग है, उनके इधर उनकी की समस्या ज्यादा नहीं रहेगी, जो समस्या रहती है वो रास्ते, गटार, अंदर के फ्योर ब्लॉक, तो इधर के जो फ्योर ब्लॉक है पूरे परिसर के फ्योर ब्लॉक हुए 99% हो गए, लेकिन अभी कुछ थोड़े बहुत बाकी होंगे। आप कुछ कोई भी गली देखोगे तो ये आमदार फंड से ही हुआ है, क्योंकि महापालिका की अभी इतनी ताकत नहीं कि महापालिका कोई कुछ कर नहीं रहा, उसमें ही परेशान है आपस में ही उनके ये करने में, तो उधर से कुछ हो नहीं रहा, तो आमदार फंड से एक अच्छा काम मेरे माध्यम से हो रहा है, तो एक अच्छी खुशी हो रही है मेरे को, क्या मेरे माध्यम से कुछ अच्छा में हो रहा है। अभी आपने कुछ रस्तों के नाम गिनाए कि जो कंप्लीट हो गए, तो ये वही रस्ते हैं जो 2017 में 52 रस्ते जो पास हुए थे, क्या उसमें कुछ एडिशनल बड़े हैं? 52 रस्ते पास हुए थे उसमें से 26 रस्ते हो गए थे, अभी जो बचे थे दूसरे, तो दूसरे से बचे थे वो भी अभी 8-10 रस्ते मेरे अभी आ गए, यानी अपने अपन देखे नहीं जाएंगे तो मेट्रो का रोड है इधर, डांगे हॉस्पिटल से जावेद अली तक का ये है, ये इधर का परिसर, ये पूरा इधर से बॉम्बे फरसान मार्ट इधर से ये सब ये पूरा परिसर अभी चाल ये सब पूरा है। अपन कामतघर का एक रोड है अपना ओसवालवाड़ी से लेके कामतघर हो गया होटल तक, और एक रोड है जकात नाके तक, यानी कॉलेज से लेके ये धमन नाके से लेके पूरा जकात नाके तक, यानी कामतघर तक, ये पूरा अच्छे तरह यानी अभी एक रोड है एक धोबी तालाब का अपना धोबी तालाब ग्राउंड का उधर से लेके दरगाह रोड तक, ये सब रोड है जो है ना अभी ये इसमें पूरे पास हुए हैं,
और दो ब्रिज भी पास हुए, दो ब्रिज भी अभी उसका भी टेंडर हो गया है, जो एक जावेद अलवी से एक ब्रिज है और एक ब्रिज है काटाई से कारोली था, जो इधर की जो पब्लिक बीच में से आती है जो काटाई से कारोली जाएगी तो उधर से डायरेक्ट अंजूर फाटा जाने के लिए उनको ये होगा, जो ट्रैफिक की समस्या थोड़ी बहुत वो कम हो जाएगी। कुछ दिनों में आप कचरे का आंदोलन किया तो महानगर पालिका के सामने, क्या सोल्यूशन क्या हल निकला थोड़ा सा बताइए। उसका सोल्यूशन तो फटाफट निकालना चाहिए था, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आयुक्तों को पड़ी नहीं है, जनता कचरे में जा रही है उनको कुछ शर्म नहीं है, वो माध्यम से वो आज तक सोल्यूशन नहीं निकाला है। आज खुद कल भी हमने मीटिंग किया तो आज सोल्यूशन निकालने की बात कर रहे, आज देखते हैं बाद में, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ करेंगे।